my channel. My name is Pooja and my channel name is Glam. So अभी बज रहे हैं शाम के 7 जी हाँ, शाम के 7 बज रहे हैं और इस टाइम पे बहुत तेज़ आंधी आ रही है सी, और पता नहीं क्यों ये इतनी तेज़ धूल भरी आंधी बहुत ही अच्छी लग रही है. बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही है और अभी जस्ट मैं नहा के ही आई थी. अभी आई हूँ बिल्कुल नहा के, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है. और क्योंकि आज आँखों में मिट्टी जा रही है, काफ़ी तेज़ आंधी है, तो अथर्व आज सोया नहीं. आज उसका जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें तो वो सो गया था, बट जो सेकेंड 3-3 बजे सोता वो सोया नहीं है. वो सोया अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले, 6:30 बजे के आसपास ही वो भी सोया है. आधा घंटा हुआ है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा देर सोने दूंगी नहीं, क्योंकि मैंने उसको सोने दिया तो वो रात को मुझे सोने नहीं देगा. तो 7:30 अभी कुछ देर वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसको अभी उठा दूँगी. बाकी ऐसे वेदर की जो खुशी है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है इस वेदर में. हालाँकि जो ये मतलब जो ये आंधी तूफान आ रहा है, आंधी इतनी तेज़ होगी कि काफ़ी नुकसान हुआ होगा यहाँ पे, ऐसे इतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे बस ये नीम का पेड़ है और ये जो है यहाँ पे ये काफ़ी तेज़ वो कर रहे हैं और आंधी आई है पूरा. मैं आपको दिखाऊंगी बैक साइड में, पूरा का पूरा धुंधला हो चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आसपास के घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा मिट्टी है. लेकिन ये भी ज़रूर है कि मौसम इससे थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि यू नो लाइक काफ़ी नुकसान की भी न्यूज़ आने वाली है, कि नुकसान हुआ होगा क्योंकि जितनी तेज़ अभी आंधी आई है. तो वही है, लेकिन फाइनली मैं तो अच्छा तो लग ही रहा है. अभी मैंने खाना वगैरह बनाया नहीं है. आज ब्लॉगिंग भी इतनी लेट स्टार्ट सिर्फ इसलिए करी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पे थे, तो बोर्ड्स वगैरह भी टूट रहे हैं. तो जो आंधी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आई है और अभी जब मैं बाहर थी नहा के आई थी, पूरे फेस पे ना वापस से मिट्टी मिट्टी हो गया है. एंड नहा के आने के बाद बस मैंने यहाँ पे ना दिया जलाया था. मंदिर अभी एक्चुअली मैंने नीचे ही रखा हुआ है, मंदिर मुझे रखना है ऊपर की साइड, ऊपर लगाना है और टेबल के ऊपर नहीं रखना. लेकिन वहाँ पे क्योंकि मंदिर का जो बैक साइड में जिसके ऊपर अटकता है ना, वो उसका होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो कुछ रिंग लानी थी जिससे वो अटक गया. तो वो रिंग तो मैं लेके आ चुकी हूँ, लेकिन अभी लगाया नहीं है, वो लगाना और है. तो मंदिर लगाऊंगी, देखती हूँ आज या कल में ही लगा लूँगी. इतनी तेज़ आंधी आई है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ना यहाँ आसपास के जितने भी मार्केट के जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं ऊपर लगे होते हैं, वो सारे नीचे टूट के गिर रहे थे. अब मेरे को यहाँ से दिखाई देता है, इसलिए मैं अंदर आ गई, क्योंकि बहुत तेज़ था और पूरे फेस पे ना वापस से मिट्टी मिट्टी हो गया. तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मुझे बनाना है. हाँ, मैं आपको बताई थी कि मेरे हस्बैंड ना घर पे ही थे, इसकी वजह से भी जो ब्लॉगिंग है वो बहुत लेट हो गया. आपको पता ही है हस्बैंड अगर घर पे हो तो होता क्या है, इसलिए ब्लॉगिंग बहुत लेट हो गया. और अभी मुझे बनाना है शाम का खाना. आज वो थे घर पे तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए था, बट एज सच कुछ बना नहीं पाए. बस हम लोगों ने एग और ब्रेड खाया और दैट्स इट, और कुछ खाया नहीं. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी बनाऊँगी मैं एग बिरयानी. और एग बिरयानी बनाना बहुत इजी भी है, बहुत टाइम नहीं लगता. और ऐसा जो वेदर हो रहा है तो उसके अंदर वही करना पड़ेगा, बट उससे पहले मुझे लगता है कि मेरे को पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि काफ़ी धूल जो बालकनी वाला रूम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल आ गई होगी. तो वही है. अच्छा, एक चीज़ दिखाती हूँ. जब मेरी शादी की आई थिंक कितने शायद फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी होगी या 6th मंथ एनिवर्सरी होगी, तो उस टाइम पे ना मैंने ये पिलो बनवाया था. कुछ नहीं दिख रहा, आगे देखो. ये पिलो बनवाया था मैंने उस टाइम पे, मतलब बनवाया क्या था, मैंने ना इनको गिफ्ट किया था. तो मेरे हस्बैंड को हमेशा मुझसे एक शिकायत रहती है कि मैं उनको ना वो सारी चीज़ें गिफ्ट करती हूँ जो मुझे खुद को बहुत पसंद होती है या मुझे चाहिए होती है. तो शायद हर हस्बैंड की शिकायत होती होगी, क्योंकि कुछ और एक तो पहली चीज़ तो ये है कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट समझ नहीं आते कि कौन सा गिफ्ट दो कौन सा नहीं दो. तो हमेशा हम लोग करते क्या है ना कि जो मुझे चाहिए होता है, मैं भी यही करती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग भी यही करते होंगे कि जो हमें चाहिए हम वही वाली चीज़ ना उन्हें गिफ्ट कर देते हैं. तो यू नो लाइक एट दी एंड होता क्या है कि वो चीज़ घर में ही आती है और यूज़ हो जाती है. तो ये जो है ये मैंने बनवाया था और इसमें मैंने ये 6 फोटोग्राफ्स लगवाई थी. तो इसके अंदर आप ज़्यादा फोटोग्राफ्स भी लगवा सकते हो, लेकिन वही कि ज़्यादा फोटोग्राफ्स मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि ज़्यादा फोटोग्राफ लगवा
वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती, तो इसलिए मैंने इसमें इतनी फोटोग्राफ्स लगवाई। तो इसमें एक ये फ़ोटो है, होप दिख रहा होगा, और उसके बाद ये फ़ोटो है, ये मेरी शादी की फ़ोटो है, एंड ये इनकी फ़ोटो है, देन ये है हमारी फ़ोटो, ये मनाली की है, ये भी मनाली की है, और ये हम अपनी शादी के बाद किसी फंक्शन में गए थे तो ये उसकी फ़ोटो है। इसका जो कॉस्ट है वो पड़ा था अराउंड 1200 का, तो इसका जो कॉस्ट है वो 1200 था, और इसका जो ये वाला कुशन का जो ये कपड़ा है वो साटन है, तो इसलिए अभी तक भी मैंने इसको इसके पैकेट से निकाला नहीं है, क्योंकि साटन के एक्चुअली होता क्या है ना कि साटन की चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने इतने टाइम पर सजाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अथर्व इसको फाड़ देगा और ये बहुत जल्दी गंदा होने वाला है। तो अभी इसको फिलहाल संभाल के रख देते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, अब तो जो टी शर्ट्स होती हैं आप टी शर्ट्स भी प्रिंट करा सकते हो, मग्स वगैरह भी प्रिंट होते हैं, और ये तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं वही लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से अब तो ये वाला जो प्रिंट है ये सस्ता भी हो गया, क्योंकि ये मैंने कितना मेरे ख्याल से साढ़े चार साल पहले करवाया था ये, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा, उस टाइम पर थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन अभी तो उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अभी ठीक है। आप कहीं जा रहे हो? और उसके अलावा एक चीज़ और है मेरे पास दिखाने के लिए, ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था राखी पे, हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट सिस्टर, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर बेस्ट सिस्टर लिखा है, ये उसने मुझे दिया था राखी पे, मुझे दिया था और मेरे भाई को दिया था, जिसके ऊपर बेस्ट ब्रदर लिखा था और उसमें बेस्ट सिस्टर लिखा था। कुछ इस तरीके की चीज़ें कभी कभी मिलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मेल्स को तो उतनी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती नहीं है, बट हाँ हम फीमेल्स को इस तरीके की चीज़ें जो है वो बहुत पसंद आती है, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं। तो चलो अभी चलते हैं हम किचन में, थोड़ा बहुत काम करना है। काम क्या करना है, मेरे को एक्चुअली खाना बनाना है, बट उससे पहले सोच रही हूँ कि टैंग बना लेती हूँ, उनको टैंग पसंद है तो टैंग बनाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी और उसके बाद आपको भी ले चलूँगी। मैंने एग बॉयल कर लिया है, एग बिरयानी बनानी है इसलिए एग बॉयल होने को रख दिया, सीटी अभी निकलनी है उसमें। बाकी मैंने बर्तन धो के रखे थे यहाँ पे, तो सारे बर्तन धुले हुए हैं, इनमें से थोड़ा बहुत यू नो लाइक पानी निकल जाएगा, तो उसके बाद मेरे को ये सारे बर्तन वापस से मैं नीचे शेल्फ में लगा दूंगी। और बाकी तो बाहर का जो वेदर है वो एज़ इट इज़ है, एज़ इट इज़ से मतलब अच्छा हो रहा है, अच्छा वेदर है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं आपको मौसम दिखाऊँ ना बाहर का अभी भी, तो ये देखो कितना अच्छा है, तो वेदर जो है वो बहुत अच्छा है। और ये अभी है नहीं यहाँ से बालकनी से, एक्चुअली ना बालकनी से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ है। और ये अभी गए हैं नीचे दूध लेके आने के लिए, अथर्व का एक्चुअली दूध लाना है, और मोमोज भी मैंने बोले हैं लाने के लिए, एक्चुअली मोमोज मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, मतलब ये भी है कि अभी हम जहाँ मैं अभी रह रही हूँ यहाँ पे अच्छे मोमोज नहीं है, थोड़ा सा दूर जाके हैं, मतलब यहाँ जो एक सेंट्रल मार्केट है अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छे और टेस्टी मोमोज मिलते हैं, बट यहाँ नहीं मिलते, बट ठीक है नहीं मिलते तो यू नो लाइक कभी कभार जब ऐसे एक्सेसिव मन करता है ना कि नहीं मुझे खाना है तो ऐसे थोड़ा सा मन भरने के लिए खा लेती हूँ, चल जाता है वही, तो मे बी मोमोज लेके आएंगे अभी, मैंने बोला तो है अगर मिले अच्छे तो। कई बार तो ऐसा लगता है ना कि जब मोमोज वाला होता है तो मन करता है कि उसे एक मोमोज ले लो पहले, उसे टेस्ट कर लो और उसके बाद खाओ। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मोमोज शायद दो बार या तीन बार ही खाया होगा, जबकि उस टाइम पे तो मेरे को बिल्कुल ऐसा चस्का लगा हुआ था कि मेरे को मोमोज ही खाने हैं, हमेशा मैं मोमोज ही खाती रहती थी, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि ना उसके अंदर क्या होता है शायद अजीनोमोटो होता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और मैदा वो बॉयल हुआ हुआ होता है तो ऑलमोस्ट वो कच्चा ही होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से वो बॉयल नहीं करते हैं वो लोग उसे, तो वो सब चीज़ें नुकसान करती हैं इसलिए। लेकिन हाँ चलो ये है कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि आज दिन में भी कल जितना टेम्परेचर नहीं था लेकिन तभी भी टेम्परेचर तो था ही, गर्मी थी, तो अथर सो के भी उठ गया है, मैंने जैसा कि आपको कहा था सो के उठ गया, आधे घंटे में सो के उठ गया, और अभी वो थोड़ा सा गाने वगैरह देख रहा है,
बाहर तो ना, मतलब आपको नीचे भी मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन नीचे ही पूरा का पूरा ऐसा फैला हुआ है ना, सारा सामान टूट फूट के गिर गया। चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा काम करने में। और ये तो मैंने, ये वाली वॉल मैंने आपको दिखाई है ना पहले भी, लाइट चला के दिखाती हूँ। ये वाली वॉल मैंने आपको शायद पहले भी दिखाई है, ये वाली वो वॉल है जो थर्टी, मतलब ये इस तरीके से प्रिंट होता है ना इसके अंदर कि मतलब इस तरीके से बना हुआ है। वैसे तो ये वो है स्टिकर है, लेकिन इस तरीके से है कि अगर कोई इसको दूर से देखे ना तो वो इसको बोल नहीं सकता कि ये स्टिकर है। ये बिल्कुल इस तरीके से लगता है जैसे कि यहाँ पे ना आपने वॉल पे प्रिंट करा, पेंट कराया हुआ है, नॉट प्रिंट, पेंट करा रखा है। और बस यहाँ पे मैंने वाला जो टेडी है ना उसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया, गंदा भी हो गया ये, यहाँ पे हैंग कर दिया। इतना बड़ा टैडी है ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे हैंग कर दिया है। और अथर के सारे टॉयज वहाँ पड़े हुए हैं, इसी तरीके से अथर अपने टॉयज को फेंक के रखता है। मैं कितनी बार, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं पूरे दिन में भगवान जाने कितनी बार इनको ना समेट के उस टोकरी में डालती हूँ और वापस से ही वैसे ही हो जाते हैं। ये ना अथर, अथर हाय बोल दो, दुगू हाय बोल दो, डुगू बच्चों का बात करने का मूड नहीं है तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते हो, वही वाली चीज़ है। अब मैं ना यहाँ पे ये जो बर्तन है इन बर्तनों को सेट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहीं कर रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना। और यू नो लाइक होता है ना ऐसे बहुत बार कि जब आप ऐसे बहुत टाइम से आप प्यासे होते हो और आपको पानी मिलता है तो आपको मन करता है कि चलो पानी पीती रहती हूँ पीती रहती हूँ, तो वही वाला हाल है। इतने टाइम बाद जो लोग दिल्ली में हैं, वैसे तो खैर ऐसा नहीं है कि इतनी गर्मी सिर्फ यहाँ पे है, दिल्ली में है, बहुत सारी जगह पे और भी, इवन इससे बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन इतने दिन इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था कि दिन में भी रात में भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो अब जब ऐसा मौसम हुआ है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी बयान कर नहीं सकती आपको कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को हुई होगी जिन लोगों के यहाँ पे मानसून ऑलरेडी आ चुका है या इस तरीके का वेदर है, क्योंकि सिर्फ यहीं नहीं पूरे इंडिया में बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदी गर्मी पड़ी है इस बार, बहुत ही ज़्यादा गंदी। तो खाना एक्चुअली मेरा बन गया, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा बनाने में। आपको पता है एग बिरयानी बनाने में ऐसे सच कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एग बिरयानी मेरी बन चुकी है और ये भी आ गए हैं, मोमोज मैंने खा लिए, मेरा पेट भर गया। इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वहीं पर अच्छे मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ सेंट्रल मार्केट में, वहीं पर अच्छे मिलते हैं, यहाँ इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, बट ठीक है खा लिया। तो अभी अभी मैं सोने तो नहीं जा रही हूँ, बट येस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि यू नो लाइक नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अथर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वो वहाँ पे टेबल पे, तो अथर वहाँ पे है। और अभी मैं उसको बिस्किट जस्ट दे के आई थी तो वो वहीं पे बैठा हुआ है, अभी तक भी इतनी देर हो गई है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, और जो छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप जो मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल जाए। ऑल राइट, ओके बाय। आप लोग भी इस मौसम का मज़ा लीजिए और मैं भी इस मौसम का मज़ा लेती हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं खा के इसी तरीके से इस मौसम का मज़ा लिया जा सकता है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।